हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। तो आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल फलाहारी दही के आलू बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, एक कप दही, 12 से 15 उबले हुए आलू, और आलूओं को पीसेस में कट कर लीजिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं जन्माष्टमी स्पेशल फलाहारी दही के आलू। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला है, 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है, और घी डाल के अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स अब घी गर्म हो गया है अच्छे से, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये उबले हुए आलू। इसमें हम सारे आलू डाल देंगे। और आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर हमें आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देंगे पानी। टोटल 2 ग्लास पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से चलाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे दही 1 कप और फ्रेंड्स दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। और काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स अब इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, तो अब गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसकी प्लेटिंग कर दी है और धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स बनकर तैयार है जन्माष्टमी स्पेशल फलाहारी दही के आलू। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं आलू। और अगर आपको ये जन्माष्टमी स्पेशल फलाहारी दही के आलू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू।